एकदम ही जरा अज काफ़ी सरप्राइजिंग सीगा साढ़े सारी मीडिया ले भी। बहुत सारे सरकमस्टांसिस होंगे है जिद करके वो कई बार नहीं चाह के भी कुछ कर पाता, किसी तरफ सपोर्ट करने लिए आया ताकि वह हौसला बनया रहे ना। ये इनबॉर्न टैलेंट हों, अपना जबरदस्ती नहीं कर सकते, और वो बच्चा टैलेंटेड है, उन्हें शौक है। गल् बहुत सारिया होंदिया भी रही हैं, बट जदों जो टाइम आ गया सो लैट्स नॉट थिंक अबाउट कि उस टाइम तो क्यों नहीं किया, आप सोचिए कि आप हूँ कर रहे हैं। फैक्ट न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों मेरे यानी सिमरन वालों प्यार भरी सत श्रीकाल। दोस्तों इस वक्त साडे नाल मौजूद ने बड़े ही खास मेहमान, उन्होंने स्वागत करते हैं सचिन जी का। सत श्रीकाल जी, किवें हो? सत श्रीकाल जी, मैं ठीक, तुसीं दसो? मैं भी बहुत वधिया। सर, इंडस्ट्री म्यूजिक इंडस्ट्री के नाल तुहाडा बहुत ही गहरा रिश्ता है, तो अज तुसीं अपने फ्रेंड नूं सपोर्ट करन आए हो जिवें तुसीं दस्या, तां मतलब काफ़ी टाइम ये जिहड़ा चेहरा है, ये आवाज़ जिहड़ी है गायब रही है, तो एकदम ही जिहड़ा अज काफ़ी सरप्राइजिंग सीगा साढ़े सारी मीडिया लई भी, तो तुहाडे तों जानना चाहुंदी हां कि कदों दो ये प्लानिंग चल रही? गायब सीगे क्योंकि एक तो इत इंडिया रेंदे नहीं, यूके रेंदे है, तो इंसान की जिंदगी बहुत सारे सरकमस्टांसिस होंगे है जिदे करके वो कई बार नहीं चाह के भी कुछ कर पाता, लेकिन सिंस हुण इन्होंने दोबारा शुरू किया तो मैं बहुत खुशी है इस चीज़ की, क्योंकि अमृत के नाल मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, तो फिल्मा भी कर रहे हैं, हुण गाने भी कर रहे हैं, तो बहुत दुआवां, बहुत सारी बेस्ट विशेज, और मैं इसे करके सिर्फ सपोर्ट करने लिए आया ताकि वो हौसला बनया रहे। मैं लगता थोड़ी सपोर्ट ही बहुत बड़ी चीज़ है। चलो मैं खुशी है जो सपोर्ट नाल किसी हौसला मिलता है या वो आगे एनकरेज होंगे अच्छा काम कर ली सा, वाई नॉट। तो तुसी उन्हां दे बेटे दी काफ़ी करीब हो जिवें तुसी दस्या है कि ये चाचू बेस्ट ने, है ना, तो उन्हां बारे दसो कि 14 साल की उम्र के जो मैं लगता मैं 14 साल की सी तो मैनू इन्ना नहीं पता सी कि मैं अगे की करना, मैनू ये सीगा हाए प्लस टू हो जाए बहुत चलो अगे पढ़ गए तो उही बहुत वड्डी गल है, बट इन्ना वड्डा मतलब उन्होंने एक विजन रख्या आ जिवें तुसी तुहाडी देख रेख दे विच ही ओह सिखे ने या फिर तुसी उन्हां नूं ही मतलब टाइम टू टाइम गाइड करते रहिंदे हो? नहीं, देखो टैलेंट जो है ना ये इनबॉर्न टैलेंट हुंदा है, ये अपन जबरदस्ती नहीं कर सकते, और वो बच्चा टैलेंटेड है, उन्हें शौक है, और साढ़े तो एज आ मतलब असी उहदे अंकल ही हैं, तो साढ़े तो एज आ फैमिली वो गाइडेंस डेफिनेटली जो भी मंगता असी उन्हें गाइड करते हैं, तो अगे भी जो साढ़े तो गाइडेंस चाहिए उन्हें चाहिए होएगी, असी हमेशा उहदे लई हाजिर हाँ। बाकी मेहनत उहदी आप दी है और अपने हार्डवर्क के नाल राइज करेगा, आई एम रियली श्योर अबाउट दैट। अच्छा सर, ये पूछना चाहवांगी जिवें तुहाडे काफ़ी करीबी ने सर, तो मतलब जो ये टाइम पीरियड सीगा, एक टाइम तो वो बहुत पीक ते सी अपने करियर दे, बट एकदम ही गायब हो गए इंडस्ट्री दे विच्चों, तां कदे तुसीं उन्हां नाल ये चीज़ नहीं की कि चल यार असी कुछ करते हैं या कट्ठे कुछ कोलैबोरेट करन दी कोशिश कीती होवे या की रीज़न रहे? नहीं, रीजनस तो देखो बहुत सारिया चीज़ा ऐसा होंगे जो असी नहीं पब्लिकली आप डिस्कस कर सकते, सो गल् बहुत सारिया होंदिया भी रही हैं, बट जदों जो टाइम आ गया सो लैट्स नॉट थिंक अबाउट कि उस टाइम तो क्यों नहीं किया, आप सोचिए कि आप हूँ कर रहे हैं, तो वो ते फोकस करके और उन्हों पॉजिटिवली अगे करिए एग्जीक्यूट करिए। अगे तुहाडे नाल भी सानू कोई सरदा प्रोजेक्ट वेखन मिलेगा? जरूर, क्यों नहीं, सारा कुछ इन्हां दे नाल भी होर आंदे ही रहिंदे प्रोजेक्ट्स मेरे, तां तुसीं सुणदे ही रहिंदे हो, ते जल्दी तुहानूं बुलावांगे सारिआं नूं किस दिन, फिर उत्थे अपने प्रोजेक्ट्स बारे डिस्कस करांगे। अगे थैंक यू सो मच सर, बहुत चंगा लगा, ते जाण तों पहले कुछ दर्शकां नूं कहना चाहो? बस जी, अच्छा गाने सुनो, अच्छी फिल्मां देखो तुसीं, मैनूं पता लग्गिआ कली जोटा नूं बहुत अच्छा रिस्पोंस मिलिआ, सो बड़ी खुशी हुई कि जदों एक आर्टिस्ट मेहनत करके कोई भी प्रोडक्ट तैयार करदा उहनूं बहुत एक्सपैक्टेशनस हुंदीआं, तो तुसी प्यार दिंदे हो तो उहदे नाल अगे भी काम करन वालियां दा हौसला वधदा, सो इसे तरीके नाल प्यार दिंदे रहो सारियां नूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।